नमस्कार, हमारे चैनल पे आप सब बहनों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो डिज़ाइन लेके आए हैं, ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है। ये 4-4 सिलाई का डिज़ाइन है और 6-6, 2-4-6, 6 फिर 6 फिर 6, ऐसे फंदों का डिज़ाइन है और दो फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं। तो डिज़ाइन को कैसे बनाना है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस डिज़ाइन को बच्चों के स्वेटर में और लेडी जैकेट में डाल सकते हैं, खास करके बच्चों के लिए ही डिज़ाइन है। आपने जिस भी प्रोजेक्ट में डालना है डाल सकते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही हम कोई बॉर्डर बना लें, बॉर्डर बनाने के बाद हमने जो डिज़ाइन स्टार्ट करना है, दो सिलाई हमने वाइट कलर की बनानी है और हमने 10 नंबर पे डिज़ाइन को बना रहे हैं, बेबी वूल है। तो सबसे पहले हम दो सिलाई, एक सीधी ऐसे बिल्कुल सीधी सिलाई बनाएंगे, पूरी हमने फंदे भी उतने ही लिए हैं जितने हमें डिजाइन के लिए चाहिए। ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली है, अब हम बनाएंगे बैक साइड में उल्टी सिलाई ऐसे। ये दो सिलाई बनाने के बाद दूसरे कलर से हम दो सिलाई का डिजाइन बनाएंगे। जी देखिए फ्रेंड, हमने दो सिलाई बना ली है। अब हमने क्या करना है, इस कलर को लगाना है राइट साइड में, थर्ड सिलाई में हमने दो फंदे पहले सिंपल इसी कलर के बुन लेने हैं वाइट, ठीक है। अब दो फंदे हम इस कलर से बुनेंगे, एक दो, ओके। फिर हमने चार फंदे वाइट बुनने हैं, 3 और 4, दो फंदे वाइट, दो ब्लू, 4 वाइट, फिर दो ब्लू, फिर 4 फंदे वाइट, दो ब्लू, और इस थ्रेड से फिर दो फंदे वाइट कलर से। ये देखिए ऐसे पूरे प्रोजेक्ट में आपने डिज़ाइन को बनाते जाना है। लास्ट में 2 ब्लू और 2 वाइट आने चाहिए, बीच में 4-4 वाइट आने चाहिए। तो 1 फूल 2 फूल 3। अब आते हैं फोर्थ सिलाई में हमने क्या करना है, जो हमारे ये सीधे फंदे थे उल्टे हो गए दो। अब जो ये दो ब्लू फंदे हैं, इस थ्रेड को इधर लाकर इस थ्रेड से इसको दो बार बुनना है, डबल डबल थ्रेड से, एक, फिर दूसरे फंदे को डबल, एक बार दो बार बुन लिया। अब इन चार फंदों को वाइट बुनना है, 1 2 3 और 4 बुन लिए। अब फिर इनको इसी थ्रेड से दो बार बुनना है, एक, दूसरे फंदे को एक बार फिर दो बार डबल करके बुनना है, मतलब चार फंदे बनाने हैं। फिर हमने 1 2 3 4 4 फंदे हमने फिर सिंपल बुन लेने हैं, फिर इनको डबल करके बुनना है ब्लू को, 1 2, ठीक है, फिर इसको भी 1 2। अब ये दो फंदे हमने लास्ट में ऐसे ही बुनने हैं, ठीक है। तो 4 सिलाई हमारी कंप्लीट होगी। अब 4 सिलाई कंप्लीट होने के बाद अब 2 सिलाई और बनेगी, हमने डायरेक्शन चेंज करनी है। कैसे, एक फंदा तो हम बुनेंगे सिंपल सीधा स्लिप कर लेंगे, चाहे बुनिए चाहे स्लिप कीजिए। अब हमने क्या करना है, इस फंदे को आगे लाना है,
तो हम इसको ऐसे उतारेंगे और इसको पीछे ले जाएंगे फंदे को, और इसको आगे ले आएंगे और खोल भी लेंगे फंदे को। खोल लिया, इसको जहां रखा और इसको बुन लिया और साथ वाले को भी बुन लिया ऐसे। अब ये भी फंदा खोल लिया, खुला हुआ है, और इसको पीछे ले गए और इसको आगे ले आए, ऐसे क्रॉस करना है। क्रॉस करके इस फंदे को वाइट ही बुनना है और इसको भी वाइट ही बुनना है, ठीक है। फिर बीच में हमने दो फंदे सिंपल बुनने हैं, यही वाइट के बुन लिए। अब जहाँ पर फिर क्रॉस करना है तो दोनों फंदे उतारेंगे, ये खुल जाएगा फंदा, और इसको ऐसे ही पकड़ लेंगे, इसको आगे ले आएंगे और इसको भी सीधा ऐसे ही बुनेंगे और इसको भी ऐसे। अब जहाँ भी क्रॉस करना है तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, इसको पीछे ले जाएंगे खोल के, और इसको आगे ले आएंगे, इसको भी बुनेंगे, इसको भी बुनेंगे, तो ऐसे एक क्रॉस हो जाएगा। आगे एक बार फिर देखिए, दो बीच में सीधे बुन लिए। अब हमने फिर क्रॉस करना है, उन दो फंदों को ब्लू को उतारना है, वो एक हो जाएगा। जी देखिए, इसको आगे ले आना है, इसको भी वाइट कलर से ही बुनना है, इसको भी वाइट कलर से, जहां फिर क्रॉस करना है लास्ट में ऐसे, इसको खोल लेना है और ऐसे बुन देना है। देखिए लास्ट वाला हमने फिर बुन लेना है, तो ये हमारी एक सिलाई और बन गई है ना, छः छः दो और दो चार सिलाई। आगे फिर ये पांचवी है, फिर छवीं है। कहने का मतलब ये हमारी सीधी सिलाई जाएगी, लेकिन हम फंदे चेंज करेंगे, ये वाइट सिलाई एक वन गिनी जाएगी और फिर सेकंड, पूरी सिलाई हम उल्टी ही बनाएंगे और पूरे फंदों को हम ऐसे ही पूरी सिलाई बुन लेंगे। जी देखिए पूरी सिलाई उल्टी। जी देखिए फ्रेंड्स, छह सिलाई में डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, दो प्लेन दो डिज़ाइन की, फिर दो एक सीधी डिज़ाइन के साथ उल्टी प्लेन, तो ऐसे हमारी ये चार चार सिलाई में डिज़ाइन बनता जाएगा। दो और चार में बन गया, फिर ये दो सिलाई बन चुकी है, दो आगे फिर हमने दूसरे कलर की बनानी है। कैसे, हम फिर दूसरा कलर लगाएंगे, लेकिन कहाँ पे, ये फंदा भी हम बुन लेंगे, दो तीन चार पाँच, तो हमने पांच फंदे बुन लिए। अब हम नेक्स्ट कलर लगाएंगे ये वाला, ये भी हम जहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे बाइंड करेंगे। जी देखिए हमने ये बाइंड कर लिया है। अब जो ये बीच के दो फंदे हैं ना, दोनों डिज़ाइन के बीच के, इसको हम सीधा बुनेंगे, फिर इसको भी सीधा, तो दो बीच में इस कलर के फंदे आ गए। अब बीच में ये जो चार फंदे हैं इनको वाइट बुनना है, एक दो तीन चार, ठीक है। वाइट बुनने के बाद इन दो को हमने ये लाइट ब्लू वाला स्काई ब्लू बुनना है, फिर ये दो चार पांच फंदे ये वाले कलर के आएंगे। चार फंदे तो डिजाइन के हैं, एक एक्स्ट्रा है ऐसे। जी देखिए दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह, 18 फंदे हमने डाले हैं, 18। तो हमारा जहाँ पे इस कलर का डिज़ाइन स्टार्ट हो गया। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में आपको पता है डिज़ाइन को क्या करना है, ये जो पांच फंदे हैं वो तो सीधे सिंपल हमने बुन लेने हैं। अब ये जो फंदे हैं इनको थ्रेड इधर लाकर ऐसे क्रॉस करके थ्रेड को, फिर हमने इसको दो बार बुनना है, दो फंदे बनाने हैं, एक ते दो, एक
दो फंदे ऐसे बुन लेने हैं ऐसे। फिर इसको भी एक दो, जैसे ब्लू बुने थे डार्क ब्लू बुन लिए। अब चार फंदे आगे, एक दो तीन चार वाइट बुनने हैं आगे, फिर एक बार दो बार ऐसे। ये जो थ्रेड लेके जाना है आके, टाइट नहीं लेके जाना वरना डिज़ाइन इकट्ठा सा हो जाता है। बिल्कुल इन चार फंदों के बराबर डिज़ाइन थ्रेड को लेके जाना है। तो जहाँ पर भी हमने ये देखिए बुनना है, एक बार दो बार फिर एक बार दो बार, तो चार फंदे हो गए। फिर हमने बाकी के जो फंदे हैं हमारे वो उल्टे बुनने हैं, चार फंदे ये और एक है फंदा एक्स्ट्रा। तो ऐसे प्रोजेक्ट में आपने फंदे डालने हैं। अब बीच में आ गए दो, अब हमने क्या करना है, उनको ओपन करना है, क्रॉस करना है। तो हम पहले फोर फंदे बुनेंगे, बुन लिए। अब हमने जहां पे क्रॉस करना है, कैसे, जब हम उतारेंगे तो इस वाइट को पीछे लेके जाएंगे, इसको आगे लाएंगे तो खुल जाएगा ना फंदा। तो इसको हम ऐसे ही बुन लेंगे और आगे वाले को भी ऐसे ही बुन लेंगे। ये देखिए जहां थ्रेड है इसको थोड़ा सा टाइट कर लीजिए। फिर जहां भी क्रॉस करेंगे तो पहले हम ये फंदा लेंगे, फिर हम इसको भी ओपन करेंगे और बारी बारी से बुन देंगे। बुनना वाइट कलर से ही है, ए वाइट कलर से जो बुनते हैं, ये हमारी वाइट की एक सिलाई सिंपल आ रही है, फिर एक उल्टी आएगी, बस दो सिलाई सिंपल है, दो पे डिजाइन। फिर हमने दो फंदे सिंपल बुनने हैं बीच में वाइट। अब हमने क्या करना है, फिर क्रॉस किए हुए को उतारना है कि क्रॉस करने के लिए, एक पीछे ले गए सीधा, इसको ओपन करना है और आगे ले आना है और इन दो फंदों को बारी बारी से बुन देना है। फिर एक बैक का फंदा आगे लाएंगे, ये ओपन हो गया, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, क्रॉस कर लिया और बारी बारी से बुन दिया, ठीक है। आगे फिर हम फोर फंदे बुनेंगे वाइट, दो तीन चार, ये देखिए फोर इधर हैं, फोर इधर हैं और बीच में डिजाइन के हैं फोर और दो है। तो सीधी सिलाई हमारी वाइट की बन गई। अब सेकंड फिर सिलाई बनेगी, मतलब चाहे आप छह सिलाई का डिजाइन समझे तो छह छह का समझ कर चले, चाहे दो दो का, चार सिलाई का, है ना। तो ये ऐसे ही डिजाइन बनेगा, पूरी सिलाई उल्टी बना लेनी है। ये देखिए बन गई। अब ये देखिए डिजाइन कितना प्यारा बन के आया है, है ना। अब फिर हमने इन्हीं सिलाइयों को दो चार छ आठ, है ना, इन्हीं सिलाइयों को रिपीट करना है। दो तो एक वाइट बनी गई है जो नीचे से स्टार्ट की थी, अब हमने इसी पे डार्क कलर लगाना है और ए वाला फूल बनाना है। तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। ए फंदा हम दो सिंपल बुने थे ना फर्स्ट सिलाई में, जब ब्लू कलर डाला था, दो सिंपल ए और दो हमने इस कलर के बुने थे, ठीक है। फिर हमने चार फंदे वाइट बुने थे क्योंकि ये डिजाइन वाले चार फंदे हैं, दो तीन चार। फिर हमने ब्लू कलर के बुने थे दो, फिर हमने चार फंदे ए वाले इस डिजाइन के बुने थे, फिर हमने दो फंदे सिंपल बुने थे, फिर दो फंदे वाइट के, है ना, दो कलर के दो वाइट के। तो ऐसे हमने फिर डिजाइन को स्टार्ट कर लिया है। अब ये फिर वैसे ही डिजाइन को बनाना है, तो हम एक बार बना के दिखा भी देते हैं। जैसे ही हमने उल्टे फंदे दो बुने, ब्लू बुनने के लिए
थ्रेड इधर किया, इसी से डबल बुन दिया, फिर डबल बुन दिया, चार फंदे सिंपल बुन दिए, फिर ब्लू से एक दो दो चार बुन दिए, फिर वाइट से चार फंदे बुने, फिर ब्लू को डबल डबल बुन दिया ऐसे, और दो को ऐसे बुन दिया सिंपल वाइट। तो हमारा जो देखिए डिजाइन बनकर कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ही डिजाइन को आगे आगे आपने स्टार्ट करते हुए जाना है और बहुत ही सुंदर डिजाइन बनेगा। ये देखिए हमने बना रखा है डिजाइन को, तो ऐसे जैसे जहाँ बताया है ना वैसे ही बनाया है। डिज़ाइन बनकर बहुत ही सुंदर लग रहा है। आगे आगे ऐसे ही सिलाइयाँ बनाते जाइए और प्यारा सा डिज़ाइन बनाकर आप अपने बच्चों के लिए रख लीजिए और बनाकर जरूर देखना आप इस डिज़ाइन को। जी देखिए खासकर बच्चों के लिए, अगर लेडी जैकेट में भी डालना है तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि लेडी जैकेट में भी ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है जब बन जाता है। कलर आप कोई भी चूज कीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास बचे हुए कोई कलर है उसका कम्बिनेशन बनाकर आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड बनाइए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे प्रोजेक्ट के साथ, किसी डिज़ाइन के साथ। तब तक बाय बाय।